बात करें हेयर ग्रोथ की तो रीठा आई थिंक टॉप नंबर वन लिस्ट पे आता है. रीठा इज ऑल्सो नोन एज सोप नट्स. आप अपने नियर स्टोर से या फिर अमेजोन वगैरह से परचेज कर सकते हैं इसको. तो हमें यूज़ करना है पाउडर फॉर्म में रीठा. अगर आप उसको साबुत ले आते तो आप घर में उसको पीस सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है तो वो पीसना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ट्राई कीजिए पाउडर फॉर्म में आप परचेज करें मार्केट. तो इसका नाम सोप नट क्यों था, क्योंकि पहले टाइम में रीठा का यूज़ होता था साबुन बनाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम सोप नट है. जब हम आंवला रीठा शिकाकाई के लिए शैम्पू बनाते हैं हम लोग, तो जो रीठा होता है वो झाग जो फॉर्म आता है ना, वो रीठा उसके लिए हेल्प करता है. तो इसलिए पहले टाइम पे रीठा का यूज़ होता था साबुन बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम सोप नट रखा है. आप रीठा को गर्म पानी में सोक करके रख सकते हैं, उसके बाद उस पानी से आप लोग जो है अपने हेयर और स्कैल्प क्लीन कर सकते हैं. रीठा के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि नरिशमेंट देता है आपके स्कैल्प को और आपके हेयर फ्लॉसल्स को, प्रमोट करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ को. अगर आपके जो स्कैल्प है वो क्लीन होगा तभी जो ग्रोथ है हेयर का वो हेल्दी होगा. तो ये बहुत बहुत हेल्प करता है आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देने में. तीसरा इसका बेनिफिट ये होगा, इट क्लीन्स द स्कैल्प. मतलब कि आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए. आप रीठा से काम चला सकते हैं. आंवला आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू, जैसे अगर आपने मेरा पहले वीडियोस देखा होगा कि क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रमोट के लिए, बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं रीठा तो आपको किसी भी प्रकार के शैम्पू का यूज़ नहीं करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ रीठा का यूज़ करते हैं हेयर वॉश के लिए, या आपके बालों के आपके जो स्कैल्प है उसको एकदम क्लीन कर देता है, प्रमोट करता है बहुत अच्छे हेयर ग्रोथ को, और फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस के. तो सर में जिनको इचिंग प्रॉब्लम होता है या खुजली बहुत ज़्यादा सर में होता है, तो वो ट्राई कीजिए कि वो अपना शैम्पू छोड़ के स्विच कर जाए हर्ब्स पे. रीठा, आंवला और शिकाकाई का एक शैम्पू बनाए अपने घर में और उससे ही ट्राई करें हेयर को वॉश करने का. Now I will switch to shikakai. जैसे मैंने आपको आंवला के बारे में बताया, रीठा के बारे में, अब now shikakai के बारे में आपको बताने जा रही हूँ.